हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि आप और भी इसी तरह की फ्री जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में हम कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हमसे कोई हमारी पर्सनल चीज उपयोग में लाने के लिए मांगता है और हम उसे दे देते हैं। ऐसे में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें देने पर काफी गलत प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको किसी चीज की जरूरत होती है और आप अपने दोस्तों से मांग लेते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि उधार ली गई चीजों में से हमारे स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है और हम बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। और आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको दोस्तों से कौन कौन सी चीज भूलकर भी उधार नहीं लेनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें उधार नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें आकर्षक नजर आने के लिए जूतों पर काफी ध्यान देना पड़ता है और हम कोशिश करते हैं कि वह जूते हमारे ड्रेस से मैच हो, यानी कि ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो। ऐसे में हम अपने दोस्तों से जूते और मोजे उधार मांग लेते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक हो सकता है। यह तो आप सभी जानते होंगे कि जो जूते वह पहनते हैं उनके पैरों में पसीना आता है, जिसकी वजह से हानिकारक बैक्टीरिया पनप जाते हैं। ऐसे में अगर आप उन जूतों या मोजों का उपयोग कर लेते हैं तो आप इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, ईयरफोन भी ऐसा ही कुछ करता है। अगर आप किसी से फोन उधार मांगते हैं तो इससे आपके कानों पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि उनके द्वारा उपयोग किया गया ईयरफोन क्या पता बैक्टीरिया और बहुत सारे कीटाणु अपने साथ लेकर घूम रहा हो और उन्हें ही आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके कान में बहुत तकलीफ आपको उठानी पड़ सकती है। वहीं दोस्तों, अधिकतर देखा जाता है कि लड़कियों की आदत रहती है उनकी फ्रेंड से लिपस्टिक यूज करने के लिए होती है। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो आप होठों के इन्फेक्शन यानी कि फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो सकती हैं। इसीलिए हमेशा किसी दूसरे की लिपस्टिक का यूज़ करने से पहले इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि उसे किसी और ने इस्तेमाल ना किया हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें भूल कर भी ना उधार लेना चाहिए ना उधार देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।